हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेश कोकोनट बर्फी, जो बहुत ही सिंपल तरीके से घर पे बन जाएगी और बहुत ही डिलीशियस लगती है और बहुत फ्रेश लगती है। अभी राखी का सीज़न भी आने वाला है, तो आप इस फेस्टिवल पे ये मिठाई ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप ग्रेट किया हुआ कोकोनट लिया है। ये मैंने फ्रेश कोकोनट लिया है, आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, बट फ्रेश कोकोनट मैंने यहाँ पर लिया है। और इसका जो ब्लैक वाला जो पार्ट होता है, उसको आप पील कर लीजिए और मिक्सर ग्राइंडर में इसे घुमा लीजिए, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। और अब हमें क्या करना है, लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए हम इसको सेकेंगे, ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, इसमें जो मिल्क है थोड़ा सा इवोपरेट हो जाए। तो कम से कम 2 से 3 मिनट आप इसे इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा और बर्फ़ी का टेस्ट जो है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए आप इसे अच्छे से चलाते रहिए, क्योंकि ये नीचे लगे ना बहुत जल्दी ये लग जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे क्रीम, मतलब जो मलाई है हमारी घर की, जो मलाई होती है ना, जो मिल्क के ऊपर जम जाती है, वो मलाई हमने डाली है। तो 2 से 3 चम्मच आप डाल दीजिए और क्रीम को हम अच्छी तरह से इस मिक्सचर में मिला देंगे कोकोनट के साथ। और फिर हम इसे 2 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने ली है 1/2 कप चीनी, आप चाहें तो 1 कप ले सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बट हमने यहाँ पर 2 कप लिया है, तो कम से कम 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी आप लें। यहाँ पर मैंने कम चीनी लिया है, आप 1 कप भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो। और 2 से 3 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला देंगे। 1 से 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये मिक्सचर पैन छोड़ने लगा है, इसका मतलब हमारा जो मिक्सचर है बर्फ़ी का वो बिल्कुल रेडी है। तो इस टाइम पर आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे एक केक टिन में, जिसे हम घी से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो कोई प्लेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इस टाइम पर आप इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर एक केक टिन लिया है जो घी से ग्रीस कर लिया है, और इसे सारा इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। और स्पून की हेल्प से आप इसे इस तरह से थोड़ा सा स्मूथ कर लीजिए, ताकि ये ऊपर से अच्छा दिखे, थोड़ी सी स्मूथ सरफेस दिखे। और आप ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बट मैंने इसे यहाँ पर बहुत ही सिंपल रखा है। अब हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे 4 से 5 घंटे, बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगी। 4 से 5 घंटे बाद आप इस तरह से इसमें कट लगा लीजिए और बर्फ़ी निकाल लीजिए। ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है, बहुत नाजुक बनती है, तो बहुत ध्यान से निकालिए। निकालते वक्त ये थोड़ी सी टूट भी सकती है, बट ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि ये फ्रेश कोकोनट से बनी है, तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश बर्फ़ी लगती है। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कीजिए। उससे आपको मेरी आने वाली सारी आसान सी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं आपको मिलूँगी अपनी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।